हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यहीं से आपका समझिए, यहीं से आपका जो आपका बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया है, इसी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ कहीं कहीं बुक में नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिखा रहता है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ भी टर्म आएगा स्टैंडर्ड, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी यूज़ किया जाएगी उसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 होगी, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो हाइड्रोजन ही क्यों, वाई हाइड्रोजन, वाई नॉट अदर एलिमेंट, क्योंकि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करा गया, उस समय आपके वोल्ट मीटर में जो हाइड्रोजन है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन का चाहे H2 आपका, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा 2H+। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल भी फाइंड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू आई है 0.0 वोल्ट। और अगर हम इसका रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन 2H+ आपका बन जाता है कि H2 बन जाए, यहाँ आपका रिडक्शन हो जाए, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ रिडक्शन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो हाइड्रोजन का जो, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो, दोनों कंडीशन में जो आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया है उसकी वैल्यू आई है 0.0 वोल्ट। तो आप सब जानते हो कि हम पोटेंशियल कभी नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग जब भी फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अगर 0 को कहीं प्लस करेंगे या 0 को कहीं माइनस करेंगे तो आपके उस वैल्यू में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। और रही बात, इसीलिए हम थ्योरेटिकली हाइड्रोजन लेते हैं और प्रैक्टिकली भी हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का चाहे OP की बात करें चाहे RP की बात करें, दोनों के स्टैंडर्ड केस में वैल्यू कितनी आई, 0.00। तो किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन सॉल्यूशन। कोई भी अननोन सॉल्यूशन मिल जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका हम यूज़ करते हैं, कहाँ, ये मैंने आपको बताया। अब मुद्दा है इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और इसको बनाते कैसे, दिखता कैसे है। तो सिंपल, जैसे सब दिखते हैं वैसे ये भी दिखता है, लेकिन यहाँ इसका कंटेनर थोड़ा सा अलग होगा, ऐसे नीचे इसका गोल होगा, राउंडेड होगा, बस आपको ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ एक प्लेटिनम की रॉड लेके आनी है, या इलेक्ट्रोड कह सकते हो इसको, हम ऐसे बना देते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। यहाँ आपके बहुत फाइन डिवाइडेड प्लेटिनम लगा देना है, और करना क्या है, यहाँ से लाना है इस कंटेनर को, ऐसे ऐसे इस डब्बे को बढ़िया से यहाँ पे क्या कर देना भैया, इसको बंद कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ऐसे होल बनाएंगे, अभी बताते हैं इसका क्या मतलब, इसको यहाँ बंद कर देना और इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना, जिसका पता लगाना है उसे ले जाके यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ इस डब्बे को हम बंद कर देते हैं, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखना है, जहां हम लोग रखेंगे 1 मोलर H+ आयन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 1 मोलर HCl इसके अंदर रखते हैं। ये आपका फाइन डिवाइडेड प्लेटिनम है, जिसको फाइनली डिवाइडेड क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइडेड प्लेटिनम से बना हुआ है। इसके अंदर आपका गैस भरा जाता है, और वो भी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर आपका 1 bar होता है। सिंपल इसी तरह से हम इसको बनाते हैं और इसका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम लोग 2 केस लेते हैं, जब एक बार इसका यूज़ करेंगे हम OP की तरह, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की तरह, और एक बार यूज़ करेंगे इसका हम लोग RP की तरह, रिडक्शन पोटेंशियल की तरह। आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, मैंने आपको एक कहानी बताई है, रिडक्शन पोटेंशियल का एक सीरीज बताया है, वो सीरीज आया कहाँ से, यहीं से हेल्प से आया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए एकदम बेहतरीन, मैं आपका धमाकेदार ट्रिक लेके आने वाला हूँ इस लेक्चर के तुरंत बाद, जिसको एक बार पढ़ोगे आपका पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमारे पास है क्या,
हमारे पास बस मात्र यही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कैसे यूज़ करते हैं, चलो दो केस हम लोग देखते हैं, होपफुली आपको 100% समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, हमारा पहला केस आपको जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने सारी सुनाई थी, लीना मांगे जान है, जान है मतलब जिंक से ज़्यादा बेटर रिड्यूस होने की एबिलिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है, जिंक से ज़्यादा होता है। अब हमको फाइंड करना है, तो एज पर IUPAC जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा राइट साइड होगा, और जिसका ऑक्सीडन रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको एक कंटेनर लेना है, इस तरह से डब्बा लेना है, जिंक का फाइंड करना है। तो जिंक का फाइंड करने के लिए हम लोग इसके अंदर क्या भरेंगे, इसके अंदर भरेंगे एक्वस ZnSO4, ये गया एक्वस ZnSO4। उसके बाद हम लोग यहाँ एक जिंक का क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे हमेशा की तरह। अब इसी में आपको फाइंड करना है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, कोई टेंशन नहीं है आपका, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है ना। अब इसी ZN का आपको क्या फाइंड करना है, इसी ZN का आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हेल्प से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, देख लेते हैं। यहाँ आप क्या करिए, SHE को लगाइए, जो आपका जुगाड़ है उसको लगाइए। ये गया आपका एक डब्बा, छोटा सा बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, पहले डायग्राम में बड़ा बनाया था। इसमें हम लोग एक प्लेटिनम का ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक, यहाँ फाइन डिवाइडेड प्लेटिनम को लगाते हैं। इसके बाद इस डब्बे को क्या करते हैं, हम लोग पैक कर देते हैं, ठीक है ना, पैक कर देते हैं। ये गया पैकिंग, यहाँ एक आउटलेट है गैस अंदर या बाहर जाने के लिए। इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन फिल करते हैं, ये सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अब आपका जो ये वायर यहाँ से बेटा, ZN को मैं थोड़ा छोटू सा लिख देता हूँ, ये जो वायर आपका यहाँ से निकला था, इस वायर को ले जाके इससे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमको पता है कि इसके पैरेलल एक हम लोग लगाएंगे यहाँ वोल्ट मीटर, और जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में वही आपके इस ZN का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ओवरऑल जो राइट साइड में होता है वो कैथोड होता है, और जो कैथोड होता है उस पर हमेशा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC होता है रिडक्शन, और जो लेफ्ट साइड में एनोड होता है उस पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा की तरह होने क्या वाला है, आपका ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड, यहाँ लिखता हूँ एनोड, एनोड है ना, यहाँ एनोड, ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड अपने ZN+2 को सॉल्यूशन के अंदर देगा और सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पहले एटम ने ऐसा किया, दूसरा एटम ने किया, तीसरे एटम ने किया, तो यहाँ खूब सारा सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, ZN+2। यहाँ मेरा मोटिव रिएक्शन कराना नहीं है, यहाँ मेरा मोटिव है कि इसमें कुछ रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग कैसे आएगी इसको हम समझते हैं, एनोड पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, और एनोड पे हमेशा की तरह क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपका ZN से बन गया आपका ZN, जो सॉलिड इलेक्ट्रोड था आपका बन गया ZN+2, और यहाँ से निकल गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया भैया ऑक्सीडेशन की बात, अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है आपका रिडक्शन। तो जो आपका कैथोड है भाई, यहाँ कैथोड पे आपका तो प्लस चार्ज आना है, और यहाँ क्या होना है आपका, रिडक्शन। अब सॉल्यूशन के अंदर खूब सारे क्या हैं भैया, ये देखिए H+ आयन, दुनिया भर के H+ आयन है, क्योंकि 1 मोलर आपने HCl लिया है। अब ये जो H+ आयन है, यहाँ मैंने ले लिया 2H+ आयन, सपोज करो 2H+ आयन इसी से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, सरफेस से क्या लेंगे बेटा, सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस तरह से हम इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप कर देते हैं। ये 2H+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और ये गैस इधर से क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। फिर से समझिए क्या हो रहा है, 1 मोलर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे H+ आयन है, दीज H+ आयन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, जो आपका प्लेटिनम है, चाहे तो इसको दिखा दो, यहीं से आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। इस तरह से आपकी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि जिंक से प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, सर्किट में एक करंट आएगी, और उस करंट की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इस वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी, और इसी रीडिंग को देख के हम इस जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो देखिए क्या रीडिंग आएगी अगर हम यहाँ इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू, आपको पता है E नॉट कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, E नॉट एनोड हो जाएगा, ठीक है बेटा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड लिख हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं कैसे लिखते हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू, सारी वैल्यू रिडक्शन के टर्म में लिखना है, तो यहाँ देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, E नॉट टू एच प्लस ऑब्लिक एच टू माइनस, इसको भी रिडक्शन के टर्म में लिखना है, E नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन, जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका, ध्यान से समझिए, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होती है जीरो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है जीरो, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ हम लोग लिखते हैं जीरो, और यहाँ जो रीडिंग आई है वो रीडिंग कितनी आई है, वो रीडिंग आई है 0.76, और यहाँ जो E नॉट सेल की वैल्यू आ गई है -0.76 वोल्ट, यही आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन केस ऑफ जिंक। जिंक का ये आपने फाइंड किया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं कॉपर का, है ना, एक बार और वीडियो चला के देखोगे आपको 100% समझ में आएगा, एक मैं गारंटीड लेता हूँ। अब हम लोग एक दूसरा केस देखते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करने की कोशिश। अब देखिए केस नंबर टू है आपको फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर आयन का आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर आयन का ज़्यादा होता है, H प्लस का कम, और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आपका H प्लस का ज़्यादा होता है, कॉपर आयन का क्या होता है Cu प्लस टू, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कम होता है। ये मैंने आपको लीना मांगे जान से आपको बता रखी है। अब आपको करना कुछ नहीं, हमेशा की तरह जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो राइट साइड में होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ गोला बनाना है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आपका ज़्यादा है ओपी की वैल्यू, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जिसकी वैल्यू आरपी की, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो राइट में होता है, ओपी की वैल्यू आपकी क्या लिखी जाती है लेफ्ट में। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है आपका कॉपर का, तो आपको कॉपर आयन का फाइंड करना है। आयन का फाइंड करना है तो आपको एक छोटू सा कंटेनर लेना है, इस कंटेनर के अंदर आपको भरना है इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मोलरिटी होगी 1 मोलर, क्योंकि सारी वैल्यू स्टैंडर्ड फाइंड करना है। आपको लेना है 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है एक्वस फॉर्म में, उसके बाद इसमें डाल देना है एक इलेक्ट्रोड कॉपर का बेहतरीन तरीके से, ये हो गया है ना। सोल्यूशन में आपको पता है कि खूब सारे आपके Cu+2 जितना आपका बड़ा कॉपी है आप बना सकते हो फटाफट, और यही केवल नहीं सल्फेट आयन भी है, सल्फेट आयन में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन है ज़रूर, इसको ये समझ लीजिएगा गायब नहीं हुआ है। अब इसी कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए जुगाड़ हमारे पास SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर हम लोग लगाएंगे एक छोटी सी मशीन लगाएंगे, एक आपका ये प्लेटिनम का वायर है, इलेक्ट्रोड है, ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम है, ये आपने एक कंटेनर ले लिया गोल गोल, ठीक है। अभी आप इस कंटेनर को क्या करते हो, ऐसे ऐसे बंद कर देते हो डब्बे को, यहाँ से जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस, सिंपल इसको बंद कर दिया इसका। अभी आपने इसके अंदर रखा है 1 मोलर HCl एक्वस, ठीक, और इसको ले जाके इससे क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, कोई सॉल्ट वॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक एडिशनल लगा लेना है बस, केवल समझने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा देना है ताकि आपको रीडिंग वीडिंग दिखती रहे, कल को प्रैक्टिकल करना हो तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। अब हमेशा की तरह क्या होने वाला है, हमेशा की तरह एनोड जो होगा, जो एनोड होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर H+ आयन तो खुद ही बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब वो क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आपका यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाल रहे हो, हाइड्रोजन गैस जाएगा ये प्लेटिनम के सरफेस पे क्या होगा आपका, चिपकेगा, और चिपक के पानी के अंदर आएगा, और पानी के अंदर आ जाएगा तो H2 आपका क्या बना लेगा, 2H+, और सरफेस पे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ऐसे कई सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एनोड पे कैसा चार्ज हो जाएगा, हमेशा की तरह नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपका क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, यहाँ H+ क्या कर रहा था भैया, H+ दूसरा कारनामा कर रहा था, उधर साइड में था तो H+ आपका कैथोड का काम कर रहा था, यहाँ आपका ये SHE किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है,
वहाँ आपका जब जेड एन के प्लस में लिया था तो आपका एस एच ई किसका काम कर रहा था, कैथोड का। तो कैथोड का जब काम कर रहा था तो यहाँ एच प्लस यहाँ सरफेस इलेक्ट्रॉन लेके सरफेस पे प्लस चार्ज ला रहे हैं। एनोड की तरह काम करेगा तो यह जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास हो रहा है, ये जैसे जैसे अंदर जाएगा अपने सरफेस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और सोल्यूशन में एच प्लस के फॉर्म में जाएगा। मतलब ये सोल्यूशन है जिसका पी एच क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, सारी बातें होंगी। लेकिन हमको उससे क्या, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, जो रीडिंग आएगी उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और मैथमेटिकली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सारी बातें समझेंगे। एनोड के बाद आपकी बारी आ जाती है किसकी, कैथोड, जो हमेशा की तरह जब एनोड पे माइनस हो गया तो कैथोड पे ऑब्वियसली प्लस चार्ज होगा। चार्ज कोई भी हो कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। मतलब क्या होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमेशा की तरह कॉपर आयन आपके सरफेस से इलेक्ट्रॉन लेंगे और सरफेस इलेक्ट्रॉन लेके सरफेस पे क्या होते चले जाएंगे भैया, ये सरफेस पे सब फटाफट क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। तो कैथोड का मैं लिख देता हूँ Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेके आपका कॉपर की सॉलिड फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा आपका, डिपॉजिट हो जाएगा। ये तो हो गई कहानी भाई। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ जो आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसका अपोजिट में क्या जाएगा आपका, करंट जाएगा। और जैसे करंट जाएगा आपके इस वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी और वही रीडिंग हम लोग देखेंगे और उसी रीडिंग के बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितनी आई है। अब इसको हम देखते हैं रीडिंग कितनी आई है। अब देख लीजिए, जैसे आपको लिखना है ई नॉट सेल तो हमेशा लिखते हो सर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन है Cu+2/Cu-, यहाँ हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन, लेकिन लिखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में, रिडक्शन के रिस्पेक्ट में। तो आपका यहाँ हो जाएगा E0 2H+H2। अब आपको पता है चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। तो यही मात्र एक रीडिंग आने वाली है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आपको आने वाला है E0 Cu+2/Cu। और इसकी जो रीडिंग आती है आपके वोल्ट मीटर के अंदर कॉपर के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट प्लस में। तो ये आपका हो गया, ये आपका कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू आ गई 0.34। और जो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था -0.76 वोल्ट। इस तरह से आपने ZnSO4 का है लेके जिंक का फाइंड कर लिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर का फाइंड कर लिया और फाइंड करने के लिए जिसका यूज़ किया हुआ है आपका SHE कभी एनोड की तरह वर्क करेगा कभी कैथोड की तरह वर्क करेगा, डिपेंड करता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके हम किसी भी मेटल या किसी भी नॉन मेटल के आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और ऐसे सबका फाइंड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को आप प्लस माइनस में जो घटते बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं उसी लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या, आप जितनी बड़ी सीरीज बनाना चाहे दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं सारे इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं किसका OP वैल्यू किसका ज़्यादा है, किसकी RP वैल्यू ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसका रिड्यूसिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सब कुछ हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं बेटा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। यहाँ जो टर्म आया है 0.34 आया है ये क्या